गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम क्लास फाइव में उसी चैप्टर को देखेंगे जो देख चुके हैं पिछली क्लास में। चैप्टर सिक्स ही है, चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड योर प्राइम रेशियो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है। इससे मान लीजिए कोई नंबर है 84 ठीक है, 84 नंबर इस प्राइम फैक्टर निकालना है ठीक है। सबसे पहले लोग ऐसे रैंक लिखेंगे, ऐसे रैंक लिखेंगे ठीक है, नाम 84 लिखेंगे ठीक है, और 84 को लिखेंगे टू से डिवाइड करेंगे, सबसे श्रेष्ठ नंबर है मेन नंबर से, टू से डिवाइड करेंगे, टू से टू फोर जाए फैक्टर ऑफ क्या कहते हैं देखिए फैक्टर्स ऑफ 84 इसको कितना आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम वन ही होगा ठीक है। दूसरे समय करेंगे फिर आपका 84 बचिए, फैक्टर ऑफ 84 इस तरह से निकालने का ना प्राइम फैक्टर जैसे ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको है 315 क्वेश्चन नंबर 3, इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्यों ऐसा नहीं होगा 315 का ठीक है, इसमें हम लोग टू से नहीं करेंगे क्योंकि फोर्थ नंबर दिखा है, तो ये थ्री से हम करके देखेंगे, थ्री टेन का 30 और थ्री फाइव का 15 यानी थ्री से कर रहे हैं इसका फैक्टर्स है ना, इसको देखेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे ठीक है, इसके लिए इसको क्या करेंगे ऐसे करेंगे ठीक है।
इसको तोड़ने का क्यों वन डे प्लेयर को दूसरे वन डे को देते हैं इंसान कहते हैं यानी 54 हो गए है ना 2 और 54 को लेंगे आप यहाँ क्यों जैसे इसको नहीं करेंगे ना इसको इसको सही 2 और 54 को लिखेंगे ठीक है इस तरह से लिखेंगे ठीक है इस तरह से वो बने हैं और फिर जो है ये जो बड़ा नंबर है उसको हम फिर फैक्टर करेंगे इसे है ना इससे 54 को तुम सकते हैं नंबर 4 27 से करना 27 और 27 ठीक है इसको इसको तो लेंगे ठीक है 27 को लेंगे ओके 9 का 27 होता ठीक है ये हो गया तो फिर इसको इसको तो लेंगे ठीक है 3 जगह लगा देंगे ठीक है इसको तो देंगे क्या लगेगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो इससे अच्छा देखते हैं हम